प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हरे चने का सीजन चल रहा है, तो आज हम हरे चने का निमोना बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले हम हरे चने का छिलका उतार देते हैं और चने इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए कितना हरा हरा चना है, इस तरीके का चना होता है अंदर का बीज। ये हमने इतना चना छील लिया है, तो इन्हें मिक्सी जार में दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने दरदरा पीस लिया है, इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। आइए और सामग्री बताते हैं। ये हमने एक मीडियम साइज प्याज बारीक काट लिया है, थोड़ा अदरक काट लिए हैं महीन, लहसुन काट लिए हैं, एक चम्मच जीरा ले लिए हैं, एक हरी मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा उड़द की बड़ी ले लिए हैं, उबला हुआ आलू ले लिए हैं और ये चना दरदरा पीसे हैं। एक मीडियम साइज हमने टमाटर काट लिया है, एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर है। मसालों में पानी डाल देते हैं ताकि मसाले बढ़िया से फूल जाए। आइए गैस की तरफ चलते हैं, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई काफी गर्म हो चुकी है, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, बड़ी, अदरक सभी एक साथ डाल देते हैं। आलू को छोटे पीस कर लेंगे। ये हमने आलू काट लिया है, प्याज, अदरक, लहसुन सभी बढ़िया से भून चुका है। अब इसमें आलू डाल देंगे, आलू को भी 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम मसाले डाल देते हैं, मसाला भी बढ़िया से फूल चुका है, मसालों को भी अच्छे से भूनेंगे। मसाला बढ़िया से भून चुका है, अब हम टमाटर डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। टमाटर को भी बढ़िया से पका लेते हैं। अब हरा चना डाल देंगे, इनको भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। दो मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। टमाटर भी बढ़िया से पक चुका है और हरा चना भी बढ़िया से भून लिए हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने पसंद अनुसार डालिए, जैसे ग्रेवीदार पसंद करते हैं तो पानी ज्यादा डालिए, गाढ़ी ग्रेवी पसंद करते हैं तो कम डालिए। अब इनको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं मीडियम फ्लेम में। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। निमोना बनके तैयार हो गया है, ये देखिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आइए अब सर्व करते हैं। हरा धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया भी बढ़िया से मिला देते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, कोई गलतियां हो माफ करिए। बाउल में निमोना निकाल लेते हैं और हमने चावल भी रख लिए हैं, रोटी के साथ सर्व करेंगे। आप पूरी, पराठा, जिसके साथ आप पसंद करते हो उसके साथ खाइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हमारी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे।